हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ गुड्डू के हेयर वॉश, सर धो रही हूँ उसका। और मेरे पास बहुत बार कमेंट आया है कि रश्मि आप गुड्डू का हेयर केयर जो है रूटीन शेयर कीजिए, किस तरीके से उसके बालों का रखरखाव करते हो वो शेयर कीजिए। तो देखिए, कोई ख़ास मैं इसके बालों के लिए नहीं करती हूँ, मतलब सर धोना, तेल लगाना, यही करती हूँ। अगर मैं सर धोने की बात करूँ कि कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो मैं डव शैम्पू यूज़ करती हूँ। और इसके बालों के साथ मैं किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करती कि मार्केट में ये चीज़ नहीं आई है चलो ये लगाते हैं, ये चीज़ नहीं आई है चलो ये लगाते हैं। नहीं, मैं जो है अपने बालों के साथ कर लेती हूँ, लेकिन इसके बालों के साथ नहीं करती। डव शैम्पू से धोती हूँ, डव शैम्पू से ही धोती हूँ। हाँ, कई बार मैंने हेड एंड शोल्डर से भी धोया है। और साथ ही साथ जो है अगर हम ऑयल की बात करें, तो मैं इसके सर में मतलब कौन सा तेल लगाती हूँ, तो आज तो मैं तेल नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि इसको जाना है रात को जागरण में, तो वही है ना, चिपके चिपके से बाल हो जाएंगे। तो वैसे अगर मैं तेल की बात करूँ तो मैं भृंगराज के तेल भी लगा देती हूँ, इसके सर में कैंथ्रेडिन तेल भी लगा देती हूँ, और सरसों का भी लगा देती हूँ। इन तीनों में से कोई सा भी मैं इसके लिए यूज़ कर लेती हूँ। इनके अलावा नहीं, मैं कोई और शैम्पू यूज़ ओ सॉरी तेल यूज़ करती हूँ। नारियल का इसके बालों में मैंने लगाया था, किसी से तारीफ सुनी थी, लेकिन वो अच्छा नहीं रहा इसके बालों पे, तो फिर मैंने नहीं लगाया नारियल का। तो यही तीन तेल जो है मैं लगाती हूँ इसके बालों में। तन में अपनी कटिंग दिखाई हो, कैसी कटिंग हुई है तेरी? अरे विपिन, क्या बोला था इसने कटिंग वाले भैया को? ये देखो क्या करके आया है, कि ना ये गंजा है ना सर पे बाल है। हाँ पाप, दिखा 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 दिखा, गंजा भी नहीं है, बाल भी नहीं। दिखा ना इधर, कितना वजन तो चेक कर लियो पहले, दिखा तो दे। मैं दिखा दे सबको जरा अपनी कटिंग, इधर दिखा इधर। अगर तू तो स्कूल जा रहा था ना, मैम असेंबली में खड़े कर देती तेरे को, आज की बात मत करा लियो, वेट कर रहा है अपना। दोबारा उतर, दोबारा चढ़, दोबारा चढ़, ऐसे नहीं करते गुड्डू। हाँ 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 25 गुड्डू, तू खड़ी हुई है? खड़ी हूँ। देख खाके कहाँ फेंकी झाड़ू पोछे में। ना ना, दिन में का 54 है। तू चल, 54 है। दोबारा चल, 42। तेरी तो हड्डियों का वजन है। दोबारा चल। मम्मी 43.9 था, 1 किलो कम हो गया। अभी और कम आएगा जब दोबारा चढ़ेगी। देखा, दूसरी बार में आता है। 42.0 ही आया, 42 है। चलिए ये पत्ता उधर रख दे। हेलो एवरीवन, ये व्लॉग कल स्टार्ट किया था लेकिन आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है मैं वो ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने मंगाया था नेल पेंट रिमूवर, पता नहीं गुड्डू कहाँ रख देती है। कई बार तो वो चीज़ें ऐसे रख देती है बहुत ही लापरवाही से, कई बार वो चीज़ें ऐसे रख देती है बहुत ही समेट के, कि मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो अभी मेरे साथ वही काम हो रहा है, मुझे मिल नहीं रही है, इस किट के अंदर रखी हो शायद। नेल पेंट सोच रही हूँ कौन सा लगाऊँ कौन सा लगाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है नेल पेंट कौन से वाला लगाऊँ। ये भी अच्छा लगेगा वैसे, ये वाला भी है ना, और कौन सा अच्छा रहेगा। इतने नेल पेंट हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। वैसे मुझे गोल्डन भी अच्छा लगता है, पसंद करके निकाल लेती हूँ बाहर, फिर जो भी लगाना होगा वो लगा लूँगी। मुझे यही ठीक लग रहे हैं दो, यही दो देखते हैं कौन सा लगाती हूँ इसमें से, ये लगाती हूँ कि ये लगाती हूँ, देखते हैं, ये ठीक रहेगा वैसे।
थोड़ा सा डबल कोट कर लिया। मेरे नेल्स नहीं है ना आजकल, तो बहुत ही पिद्दे पिद्दे से हाथ लगते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से, और नाखून तो बहुत ही ज़्यादा छोटे, देखो कितने से कर लिए। कभी कभी मुझे अच्छे भी लगते हैं इतने नेल्स तो इतने। अभी अभी तो क्या है, दोपहर का टाइम है। अरे किसी का फ़ोन आया हुआ है, नहीं विपिन से बात हुई थी, ये ट्री कॉलर पे शो करता है ना। अभी 1 बजने वाला है, 1 बजने में 7 मिनट हैं, रेडी होने लगेंगे हम लोग 5 बजे के करीब। मैं साड़ी पहनूंगी, गुड्डू का गाउन है, तन्मय पेंट शर्ट पहनेगा और विपिन भी शायद पेंट शर्ट पहनेंगे या फिर अपना शॉर्ट कुर्ता पहनेंगे। जागरण भी है और पार्टी भी है, जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, वैसे कि वही वीडियो है जो चलता आ रहा है। भाभी का फ़ोन है, मैंने उनसे चूड़ी मंगाई थी ना। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ भाभी, ये बिल्कुल खोपड़ी कलर नहीं मिल रहा है, मेहरून कलर का मिल रहा है। मेहरून तो अलग होता है बिल्कुल, मैं तो थोड़ा थोड़ा मैच ही कर रहा, लेकिन कॉफी कलर नहीं मिल रहा। कॉफी में नहीं आता, ये गहरी कॉफी में नहीं आता। कॉफी कलर ब्राउन कलर तो हाँ, गहरी की कॉफी कलर में नहीं आता, मतलब मैच हो रहा है, पर ये मैच हो रहा। चूड़ी का क्या हो रहा है ना कि मैंने येलो साड़ी भी निकाली हुई है पहनने के लिए और कॉफ़ी वाली भी निकाली हुई है। कॉफ़ी वाली जो है वो आपने देखी है, एकदम माथे पे खारी चूड़ी है। कॉफ़ी वाली बिल्कुल न्यू है और वो पहन भी सकते हैं जागरण में, मतलब ब्लैक वाली तो मैं नहीं पहनूंगी और मैरून वाली भी मैंने पहन ली है अभी, तो वो भी नहीं पहनूंगी। तो कॉफ़ी और येलो आपने देखी हुई है जो मैंने होली के व्रत में भी पहनी थी, अपनी एनिवर्सरी पे भी पहनी थी, मतलब 2 ही बार पहनी है। अब या तो मेरे पास येलो है या मेरे पास कॉफ़ी कलर है, इन दोनों में से ही पहननी है। जो भी पहननी है, मैं कॉफ़ी वाली, मेरा मन है कॉफ़ी वाली पहनूं, लेकिन वो स्वारोस्की वर्क में है, वैसे तो रात में काफ़ी शाइन करेगा उस पर जो स्वारोस्की वर्क है, और उस पर बॉर्डर है, वैसे वो प्लेन है। तो आप लोगों को दिखाई है, मैंने शाम को भी देख लोगे आप लोग पहने हुए, तो देखती हूँ ब्लाउज पहन के देखूंगी, अगर लुक अच्छा आया तो मैं कॉफ़ी पहनूंगी। येलो का तो मुझे पता ही है, उसको मैं पहन चुकी हूँ कि उसका लुक कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, क्योंकि पहन के देखने में भी एक बार जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी नेल पेंट लगा ली है, अभी गीली है तो थोड़ी देर वेट करती हूँ, इसको सूखने देती हूँ, और कुछ चीज़ें देखती हूँ जो निकाल के रखनी हो। गुड्डू तन में बाहर है, उनको बुलाती हूँ, गुड्डू को जो है अब हेयर स्टाइल का शौक चढ़ गया है कि मम्मी मेरे कुछ हेयर्स स्टाइल करवा दो। अब उसको पता है कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली मुझे कहना चाह रही है मेरे बाल स्ट्रेट कर दो, खुद से तो बोल नहीं रही, डर रही है। तो देखती हूँ इसके स्ट्रेट करती हूँ या क्या करती हूँ। मेहंदी लगे हुए हाथ कितने अच्छे लगते हैं ना, ये जो टिप्स पे ये इन पे लगती है। चलो मैं देखती हूँ, काम करती हूँ यार, किचन का तो सारा समेटा हुआ है। विपिन जो है अंकल जी के पास ही हैं आज उन्होंने छुट्टी ली है, तो वो वहीं गए हैं अभी थोड़ी देर पहले, सुबह भी गए थे वो सब्जी मंडी वगैरह, तो अभी भी चले गए हैं। वो बोल रहे मैं थोड़ी बहुत देर में आऊँगा कि मैं थोड़ा काम देख लेता हूँ। तो घर पे तो ऐसा कुछ खाने वाने जैसा है नहीं, तो अभी देखते हैं, बच्चे आ गए तो आटा सब्जी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, वो हो जाएगा। बाकी मैं देखती हूँ इन सब की ड्रेसेस निकाल के रख देती हूँ, तन्मय की, गुड्डू की और अपनी, विपिन जाने आके कर लेंगे। आदमी का वैसे भी कोई तामझाम नहीं होता, बच्चों का तामझाम फैलता है या फिर मेरा फैलेगा, अभी तो देखो सब समेटा हुआ है। और ये साड़ी निकाली है मैंने अपने भांजी के लिए, वो भी आई हुई है मासी के जागरण में। अभी मैं करने लगी हूँ गुड्डू का मेकअप, मैंने कहा चलो शाम का टाइम, मतलब जाने का टाइम आ गया है नज़दीक, हम लोगों को 7:30 तक निकलना है, 7:30 लास्ट है, अब देखते हैं किस टाइम निकलते हैं। लगभग अभी टाइम हो रहा होगा 6:30 या 6:15 का। तो गुड्डू के बाल जो है आज फिर से स्ट्रेट हुए हैं, या तो इसके कभी भी नहीं किए थे मैंने, और मैंने सोचा था कर्ल्स वगैरह, मतलब जो नेचुरल होते हैं चोटी कर देते हैं खूब सारी, उनसे जो कर्ल्स बन जाते हैं वो करेंगे, उसमें कोई हमें मतलब हीट वगैरह नहीं लगेगी बालों को, क्योंकि बाल ख़राब होते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसका जो है फिर हमने स्ट्रेट कराए, और अभी मैं उसका मेकअप कर रही हूँ। तो मैंने पहले लगाया था प्राइमर उसको, उसके बाद अभी मैं लगा रही हूँ उसको हल्का हल्का सा फाउंडेशन, बहुत ही लाइट जो है इसका मैं मेकअप करने वाली हूँ। प्राइमर मैंने इसको इसलिए लगाया, इसको एक तो दाने वगैरह की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, कभी इधर का दाना कभी उधर दाना, दूसरा इसको पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ा सा प्राइमर भी लगा देते हैं इसको, और साथ में जो है अभी फाउंडेशन लगा के मैं उसको जो है फाउंडेशन को थोड़ा अच्छे से पूरे चेहरे पे इसके कर दूंगी।
और बस फाउंडेशन जो है मैं अपनी स्किन टोन वाला ही इसकी स्किन टोन पे यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लिया है, ऐसा नहीं किया मैंने। अब क्या मैं ख़रीद के लाती कि चलो अपनी स्किन टोन का अलग, स्किन टोन का अलग। वैसे भी मेरे पास जो है ना वो हम दोनों की स्किन से मैच कर जाएगा, क्योंकि हमारा जो कलर है दोनों का वो लगभग लगभग सेम ही है स्किन कलर जो है। तो फाउंडेशन को अच्छे से मैंने पूरे चेहरे पे कर दिया है, उसके बाद मैं हल्का सा फेस पाउडर इसके चेहरे पे लगा दूँगी, इससे अच्छा रहेगा। जैसे फेस पाउडर से क्या होता है ना, जैसे वो लगाओ फाउंडेशन वगैरह तो उसके बाद लगा लो तो अच्छा रहता है, उसके बगैर अधूरा अधूरा सा रहता है। तो कई बार मैं तो बीबी क्रीम के बाद भी हल्का सा लगा लेती हूँ। वैसे तो देखिए ये कोई उम्र नहीं है, छोटे बच्चे हैं, अभी इनकी स्किन जो है अच्छी है। मेकअप से क्या होता है, स्किन ख़राब होती है, चाहे वो बड़ों की हो चाहे वो बच्चों की हो। लेकिन क्या होता है ना, अब हर कोई हल्का फुल्का तो कर ही लेता है, बच्चा बच्चा, खुद मम्मियाँ ही कर देती हैं, ये रहता है कि चलो कोई नहीं कर दो। और दूसरा लड़कियाँ होती हैं तो लड़कियों को तो शौक ही होती है, तो फिर जो है मैंने हल्का सा मेकअप मैंने कहा चलो कर देते हैं। तो अभी जो है मैं इसको लगा रही हूँ हल्का हल्का सा आई शेडो। मैं अभी आपको पूरा इसका मैं मेकअप दिखाऊंगी जब कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही लाइट सा मेकअप रखने की मैंने कोशिश की। बस हाँ, मेरे पास जो लिप कलर है वो थोड़ा सा लाइट शेड में नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि मैं डार्क कलर ही ज़्यादा लगाती हूँ, चाहे वो मैरून हो चाहे वो रेड हो। तो फिर मेरे को देख जो है वो हो रहा था कि मैं इसको लिप कलर क्या लगाऊंगी। हाँ, मेरे पास एक पिंक कलर है, लेकिन वो भी बहुत डार्क वाला पिंक है, लाइट वाला नहीं है। तो चलो इसका मेकअप लगभग हो ही चुका है, बस लाइनर रह गया है। मैंने कहा चलो अब लाइनर भी लगा देते हैं, और लाइनर का तो इसको मेरी तरफ बड़ा शौक है, इसको कुछ भी नहीं कराना होता। जैसे कभी कभार ना ये मेरे से डरते हुए बोल देते हैं कि मम्मी मेरे को ना हल्का सा लाइनर लगा दो, क्योंकि देखो बच्चे डरते तो हैं ही मम्मी पापा से, हम उनको जब मना करते हैं डांट देते हैं कई बार तो फिर वो डरते हैं मेकअप वगैरह। हाँ, हम अपने आप करने को बोलें तो वो खुश हो जाते हैं। तो इसको जो है बस मैं लाइनर लगा रही थी, मैंने कहा चलो लास्ट जो है एक आधा चीज़ बची है वो भी कर देते हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका पूरा मेकअप। खोल इधर की साइड को, खड़े इधर इधर इधर, हाँ आँख बंद कर। तो मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ गुड्डू का। ये गाउन है जो कि मतलब ठीक ठीक लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लगा। कलर वगैरह फ़ोटो में कुछ और था, आया कुछ और है, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, संतुष्ट नहीं हुए। जितना अच्छा शादी पे इसका गाउन था जो कि मेरी शॉप से था, वैसा नहीं लगा। मेरे को लगा पिक में जैसे काफ़ी अच्छा सा लग रहा है तो वैसा ही होगा। अब आप भी बताना, मतलब ठीक ठीक था, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बुरा था। तो मेकअप कैसा लग रहा है, गुड्डू का गाउन कैसा लग रहा है, सारी चीज़ें बताइएगा कमेंट करके। वैसे तो गुड्डू प्यारी लग रही है, प्यारे ही होते हैं बच्चे। और जो है बस मैंने कहा एक बार दूर से भी दिखा देती हूँ आपको, अब आप बताना कमेंट करके कैसा लगा। मैंने रेडी कर दिया है और अब मैं नहाने जा रही हूँ, मैं सर भी धोऊंगी। और देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है ना कई बार, मैंने चार्जिंग ऑन ही नहीं की, अब जाके की है। और मुझे इस वाले फ़ोन में लगानी है चार्जर, और मैं रेडी होंगी। ये वाली कोकोला वाली साड़ी पहन रही हूँ, सब कुछ फैला पड़ा है, सब कुछ फैला फलारा उड़ रखा है, हो ही जाता है जब कहीं जाते हैं। कल बहुत समेटना पड़ेगा, मैं चार्जर लगा रही हूँ। देखो बोरी गुड्डू, दिखा गुड्डू थोड़ी पास आ पास। ये रही गुड्डू रेडी हो चुकी है। तन्मय इधर आओ, तन्मय गुड्डू पंखे में बैठ जाओ एक जगह, गर्मी इतनी हो रही है पूछो मत। ये देखो ये तन्मय है, तन्मय भी रेडी हो चुका है, अब मैं रेडी होती हूँ। और है दूसरा है कोई ब्लैक कलर का, तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूंगी, मतलब थोड़ी देर बाद ही अपना नया वीडियो स्टार्ट करूंगी, पार्टी का, जागरण का, तो तब मिलती हूँ। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, बाय बाय।